फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पंचरत्नी लड्डू बनाएंगे जो 5 ड्राई फ्रूट्स और 5 आटों से बनाई जाती है। पंचरत्नी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में बिना घी और तेल के 2 चम्मच घिसे हुए नारियल को रोस्ट कर लेंगे। इसे हम हल्का ही रोस्ट करेंगे, फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। नारियल तो रोस्ट हो चुका है, अब हम इसी कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच बादाम को फ्राई कर लेंगे। देखिए, बादाम चटकने लगे हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब 2 बड़े चम्मच काजू को भी फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हम इसको ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। अब 2 बड़े चम्मच अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। और कुछ मखानों को भी फ्राई कर लेंगे। पांचों ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स में मखाने, काजू, बादाम, अखरोट और घिसा हुआ नारियल लिया है। पांचों ड्राई फ्रूट्स तो तैयार हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, 1/2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी और 1/2 कप चावल का आटा डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाते समय अगर आपको घी कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग घी डाल सकते हैं। इसको हम सुनहरा होने तक चलाते रहेंगे। ध्यान रहे हम 5 आटों की क्वांटिटी सेम रखेंगे।
देखिए ये सुनहरा हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। ध्यान रहे गैस बंद करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई की तली गर्म है, तली का आटा जल सकता है, इसलिए हम इसे चला लेंगे। दो मिनट हो चुकी है, अब इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। इसको ज्यादा बारीक नहीं, हल्का दरदरा ही पीसेंगे। ध्यान रहे पीसते समय इसे हम लगातार नहीं चलाएंगे, क्योंकि लगातार चलाने से ही बारीक पिस जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे, जिससे थोड़ा दरदरा ही पिसे। देखिए ड्राई फ्रूट दरदरे पिस चुके हैं, लेकिन इस पे कुछ बड़े पीसेस रह जाते हैं। इसे हम छाट कर दोबारा से दरदरा पीस लेंगे। देखिए ये भी दरदरा पिस चुका है, इसको भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से दरदरे पिस चुके हैं। अब हम एक परात लेंगे। आटा हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम इसको एक परात में निकाल लेंगे। अब इस पर पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और 1 कप भूरा या तगार डालकर मिला लेंगे। हम इसको तब तक मिलाएंगे जब तक इसका सारा भूरा अच्छे से मिल ना जाए, और तभी इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए ये अच्छे से मिल चुका है, ये कुछ इस तरीके से फूटने लगेगा। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसके इस तरीके से दोनों हाथों से भी लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से लड्डू थोड़े बड़े बनते हैं। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे लड्डू बना सकते हैं। पंचरत्नी लड्डू बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।